पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा मामले में आरोपी शाहजहां शेख को पुलिस ने गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। अब इस कार्यवाही को लेकर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की सरकार पर हमलावर हो रही है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर बोलते हुए बीजेपी नेता शाजिया आलमी ने टीएमसी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शाहजहां शेख को झूठ मूठ के अपने ही पुलिस से गिरफ्तार कराया गया ताकि ईडी और सीबीआई से बचाया जा सके। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शेख शाहजहां को 55 दिन के बाद एक सेफ हाउस में रखकर पूरी तरह से संरक्षण देकर आखिरकार ममता जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फटकार लगाने के बाद और इतने प्रयास और इतनी कोशिशों के बाद अब उस गुंडे और मुजरिम को आखिरकार एक मांडावली के तहत, एक समझौते के तहत झूठ मूठ उसको अपनी ही पुलिस से गिरफ्तार कराया है ताकि उसको ईडी और सीबीआई के संगीन इल्ज़ामों से बचाया जा सके। और क्यों बचाया जा सके, क्योंकि पूरी तरह से संलिप्त जो पार्टी है टीएमसी, उसके तार कहीं ना दिख जाएं जुड़े हुए, और इसीलिए उसको बचाने के लिए पहले तो बचाया गया 55 दिन। अब जो गिरफ्तारी का जो वारंट आया है इसमें आप देखिए कि महिलाओं के खिलाफ कोई भी मामला, चाहे वो बदमाशी का हो, बदसलूकी का हो, बलात्कार का हो या ज़मीन झपटने का हो, कोई भी मामले का जिक्र नहीं है। ये जानबूझ के हो रहा है, ममता जी की मजबूरी है इन गुंडों को अपने साथ रखना और उनको बचाव करना। और हाव आप देखिए, लग रहा है कि शाहजहां बिल्कुल शहनशाह की तरह चल रहे हैं, लग रहा है कि पुलिस उनके इशारों पर नाच रही है। ऐसी क्या मजबूरी है ममता बनर्जी की, शर्म आती है मुझे कि ममता बनर्जी जो हैं एक महिला हैं और उनकी जो सांसद हैं महबूबा मोइत्रा, सागरिका घोष, सुष्मिता जी क्या कहेंगी इसके बारे में। ये इतनी शर्मसार करती है घटना, इतनी ढेर सारी है हमारी बहनें, उनके साथ जो बदतमीजी बदसलूकी हुई है और उनके रोने चीखने और गुहार लगाने के बावजूद भी उनके जुर्म का उसका संज्ञान नहीं लिया गया है गिरफ्तारी वारंट में, ये कैसा न्याय है। मैम बीजेपी इस पे कह रही है कि कहीं ना कहीं टीएमसी ये दिखावा कर। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बाकायदा कहा है कि ये शख्स सहानुभूति का पात्र नहीं है, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप सोचिए 55 दिन तक क्या करती रही पश्चिम बंगाल की पुलिस, ये तो कोर्ट के फटकार लगने के बाद ये हुआ है। और लगातार जो महिलाएं हैं बताती रहीं, अपनी कहानी बताती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं और आंदोलन करती रहीं, तब भी एक जून ही रहेंगी ममता बनर्जी के कान में। आखिर मामला क्या है, क्यों बचाना चाह रही इस आरोपी को। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर भीड़ के हमले के बाद से ही शाहजहां शेख फरार था और पुलिस को 50 दिन से भी ज्यादा वक्त उसकी तलाशी में लगा। उस पर संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप भी है। ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में जाने के बाद बंगाल सरकार ने दावा किया था कि पुलिस 7 दिन के अंदर शाहजहां को गिरफ्तार कर लेगी। 55 दिन के बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी ही तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।